पिछली वीडियो में आपने संख्याओं का वर्ग करने की विधियों के बारे में जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग बराबर होगा 32 गुणा 32। अब आप 32 से 32 को गुणा कर सकते हैं, अथवा हमने आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए सारणी विधि बताई हुई थी। तो 32 में 2 अंक हैं, तो आप एक ऐसा वर्ग बनाएंगे जिसमें कुल 4 खाने होंगे। यहां पर लिखेंगे 32 और ऊपर भी लिखेंगे 32, और प्रत्येक खाने को आप विकर्णतः इस प्रकार से मिलाएंगे। अब यहां पर 3 और 3 का गुणनफल 9 यानी 09 लिखेंगे, और दूसरे खाने में आप 3 और 2 का गुणनफल 06 लिखेंगे, 2 और 3 का गुणनफल 06 यहां पर लिखेंगे, और इस खाने में 2 और 2 का गुणनफल 04 लिखेंगे। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, 4 का 4, 6 और 6 जोड़ेंगे 12, और हासिल 1, 9 में 0 जोड़ेंगे 0, और हासिल 1 जोड़ेंगे 10, 10 का हासिल 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो इस प्रकार से 32 का जो वर्ग आएगा वह 1024 होगा। यदि आपने वर्ग करने की सारणी विधि विस्तार पूर्वक देखनी है तो आप इससे पिछली वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें 35 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 35 के वर्ग को हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जिस संख्या के इकाई में 5 होता है उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले हम 25 लिख लेते हैं, उसके बाद जो दहाई का अंक है उसे दहाई से एक अधिक संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे अभी दहाई में 3 है, 3 से एक अधिक संख्या 4 से हम 3 को गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार 35 का वर्ग 1225 होगा। तीसरे भाग में हमने 86 का वर्ग ज्ञात करना है। 86 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से 2 भाग बनाएंगे। पहले भाग में हम 8 का वर्ग यानी 64 लिखेंगे, और दूसरे भाग में 6 के वर्ग 36 को लिखेंगे, और नीचे से 8, 6 और 2 को गुणा करेंगे जो कि 96 प्राप्त होगा। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 6 का 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, हासिल 1, 6 और 1 7। तो 86 का वर्ग प्राप्त हुआ 7396। तो इस विधि को बोलते हैं यावदूनम। इसका विस्तार आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चौथे भाग में हमें 93 का स्क्वायर ज्ञात करना है। आइए इसे भी हम सारणी विधि से ज्ञात करते हैं। 9 और 9 को गुणा करेंगे 81, 9 और 3 को गुणा करेंगे 27, 3 और 9 को गुणा करेंगे 27, 3 और 3 को गुणा करेंगे 9, 9 को आप 09 लिखेंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 9 का 9, 7 और 7 14, हासिल 1, 2 2 4, 1 5 और 1 हासिल 6, 8 का 8। तो 93 का वर्ग होगा 8649। पांचवें भाग में हमें 71 यानी 71 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सारणी विधि के लिए आप 71 और 71 को इस प्रकार लिखेंगे, 7 और 7 को गुणा करेंगे 49, आप इन दोनों खानों में लिखेंगे, 7 और 1 को गुणा करके 7 आता है तो इसे हम 07 लिखेंगे। 1 एंड 7 का गुणनफल 07, 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 01 लिखेंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 1 का 1, 7 और 7 14, हासिल 1, 9 में हासिल 1 जोड़ेंगे 10, फिर हासिल 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 71 का वर्ग होगा 5041। उसके बाद हमें 46 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे 46 यानी 4646, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,
4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 46 का वर्ग प्राप्त हुआ 2126। दूसरा प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, पहला है 6। तो जो पाइथागोरियन त्रिक होते हैं वे एम स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। तो इसमें से हम यदि m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 को यदि 6 माने तो आपको m का मान पूर्णांक में प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम मान लेते हैं 2m बराबर 6। यदि हम 2m को 6 मानेंगे तो यहां से आपको m बराबर 6 अपॉन 2 यानी 3 प्राप्त होगा। तो पाइथागोरियन त्रिक के जो अन्य दो सदस्य होंगे वे m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में m का मान रखने से प्राप्त होंगे। तो m की जगह पर आप 3 लिखेंगे तो m स्क्वायर के स्थान पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9 ऋण 1, 9 में 1 कम करेंगे 8, और m स्क्वायर प्लस 1 में m के स्थान पर 3 लिखेंगे तो यह होगा 3 का वर्ग धन 1, 3 का वर्ग 9 धन 1 यानी 10। तो पाइथागोरियन त्रिक का एक सदस्य जो आपको 6 दिया गया था उसके अन्य दो सदस्य 8 और 10 होंगे। दूसरे भाग में आपको पाइथागोरियन त्रिक का एक सदस्य 14 दिया गया है, तो इसे भी हम पहले भाग की भांति हल करेंगे। m स्क्वायर माइनस 1, 2m एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो हम 2m बराबर 14 ले लेंगे तो आपको m बराबर 14 बटा 2 यानी 7 प्राप्त होगा। m स्क्वायर माइनस 1 का मान होगा 7 का वर्ग ऋण 1 यानी 49 माइनस 1 अर्थात 48। इसी प्रकार m स्क्वायर प्लस 1 में आप m के स्थान पर 7 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 7 का वर्ग 49 प्लस 1 यानी 50। तो इसके अन्य दो सदस्य 48 और 50 होंगे। तीसरे भाग में आपको सदस्य दिया गया है 16, तो आप 2m बराबर 16 लिखेंगे, m बराबर हो जाएगा 16 बटा 2 यानी 8, 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा। अब जो दूसरा सदस्य आएगा m स्क्वायर माइनस 1 में m का मान रखने से प्राप्त होगा, m के स्थान पर हम 8 लिखेंगे तो 8 का वर्ग ऋण 1 यानी 64 ऋण 1 जो कि 63 होगा। और तीसरा सदस्य हमें m स्क्वायर प्लस 1 में m के स्थान पर 8 लिखने से प्राप्त होगा, 8 का वर्ग 64 प्लस 1 यानी 65। तो अन्य दो सदस्य 63 और 65 होंगे। प्रश्न के अंतिम भाग में हमें पाइथागोरियन त्रिक का सदस्य 18 दिया गया है, तो हम 2m बराबर 18 लेंगे तो m बराबर होगा 18 बटा 2, 2 का भाग 18 में 9 बार, और जो दूसरा सदस्य होगा m स्क्वायर माइनस 1 में m के स्थान पर हम 9 लिखेंगे तो 9 का वर्ग 81, 81 में 1 कम करेंगे तो 80। और तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1 में m के स्थान पर 9 लिखेंगे तो 9 का वर्ग धन 1 यानी 81 प्लस 1 अर्थात 82। तो अन्य दो सदस्य 80 और 82 होंगे।